हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुबीना और मैं आपको सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स अपने चैनल शिफा ब्यूटी पार्लर पर। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए आईब्रो का वीडियो लेकर आई हूँ कि आईब्रो किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से बना सकते हैं, कहाँ के बाल निकालना चाहिए, कहाँ के नहीं निकालना चाहिए, आईब्रो में किस तरीके से धागा चलाए और कहाँ से कहाँ पर रोके, वो सारी बात आज के इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से आखिरी तक वॉच करोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ पाएगा कि आईब्रो के हेयर किस तरीके से निकाले जाते हैं और उसे शेप किस तरीके से दिया जाता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आईब्रो पर हमें पाउडर का यूज़ करना होगा ताकि आईब्रो में जितना मॉइस्चर है वो निकल जाए और हेयर अलग अलग हो जाए। उसके बाद सीजर से जो एक्स्ट्रा के हेयर है वो काट लेने होंगे अपर साइड से, नोज़ के साइड से। उसके बाद हमें धागा ट्विस्ट करना होगा, 7 से ज़्यादा नहीं और 4 से कम नहीं। आपको अगर इस बारे में ये वाला वीडियो देखना हो कि धागा किस तरीके से हमें चलाना है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम धागे को बांध लेंगे, मतलब ट्विस्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर आर्च आईब्रो बनानी है। इनकी आर्च आईब्रो है और इनकी डिमांड भी आर्च आईब्रो की है। तो हम ऊपर से एक लाइन देंगे और उसके बाद साइड से एक लाइन देंगे और ऊपर के जो बारीक बारीक हेयर है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया है, ना ही फास्ट किया है। जैसा है मैंने वैसा ही इसको शूट किया था और अभी ऊपर का हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद हमें आईब्रो का जहाँ पॉइंट दिया वहाँ से हेयर को आईब्रो को पुल करना है और आईब्रो के नीचे से पुल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर की साइड से हमने निकालना स्टार्ट किया है बट वहाँ पर पूरी तरीके से हेयर नहीं निकल पाते हैं, बट जितने भी आते हैं तो हमें निकाल लेना है। उसके बाद जैसा शेप चाहिए हमें उस शेप के अकॉर्डिंग हमें हेयर को निकालना है और आईब्रो तक बिल्कुल भी धागे को नहीं लाना है। जहाँ से हमें हेयर निकालना है वहीं के हेयर निकलने चाहिए और वहाँ पर ही हेयर जो धागा है वो थ्रेड का हमें वहीं चलाना है। और कहाँ रोकना है आप देख सकते हो कि आईब्रो पर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। अगर आईब्रो पर लेकर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखिए मैं कॉर्नर के हेयर निकाल रही हूँ तो वहीं रोक ले रही हूँ जहाँ पर पॉइंट है, उसके आगे मैं नहीं उसको बढ़ा रही हूँ आगे। के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने आईब्रो बनाया है और जो आईब्रो के साइड के हेयर है वो प्रॉपरली हमें निकालना है, ध्यान से निकालना है। उसके नीचे के हम कैसे भी निकाल सकते हैं धागे को चला के, बट जो शेप है वो अच्छी तरीके से देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इनर कॉर्नर के आईब्रो होती है उसको उठाना होता है 2 फिंगर से, उसके बाद ही वहाँ के हेयर प्रॉपरली निकल पाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और धागा किस तरीके से पकड़ना है, चलाना है, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से धागा चलाना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये वाले आईब्रो को, एक साइड के आईब्रो को शेप दे दिया है और दूसरे साइड के आईब्रो यहाँ पर बना लेंगे। अगर आईब्रो बनाने के बाद दोनों को मैच करना है, दोनों सेम बनाना है हमें, पहले मैं इस साइड के आईब्रो बनाया है, अब इस साइड के बनाने के बाद दोनों को मैच करके देखोगे कि कहाँ पर फर्क है तो उसको फिर क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से पहले मैं यहाँ आईब्रो को बना लेती हूँ, एकदम लाइन देती हूँ ऊपर नीचे। अगर एक भी हेयर हमारा दिखता है तो बिल्कुल लाइन क्लियर नज़र नहीं आती है। उसके बाद मैं फॉरहेड का हेयर को रिमूव कर लूँगी, निकाल लूँगी और फिर साइड का। ये गोल आकार का नहीं है, ये आर्च है, मतलब कि पॉइंटेड आईब्रो है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग मैक्सिमम लोग इसी तरीके के आईब्रो बनाना पसंद करते हैं और इनको भी यही वाला आईब्रो बनाना था, मतलब पॉइंटेड आईब्रो बनाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पॉइंट की तरफ से पुल करने लगाया हेयर को, मीन्स आईब्रो को। तो यहाँ पर जो है हम जो पकड़ते हैं ना, जो क्लाइंट हमारा पकड़ता है आईब्रो को पुल करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है आईब्रो में। अगर वो अच्छी तरीके से पुल नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं, तो हम प्रॉपरली शेप नहीं दे पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हो आप कि वो अच्छे तरीके से पकड़ना चाहिए, अगर फैला के पकड़ेगा तो शेप जो है वो टेढ़ा आड़ा निकल के आएगा। तो इस तरीके से अगर पकड़ते हो तो आईब्रो प्रॉपरली बने ही रहेंगी और हमें एक अच्छा सा शेप भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना किस तरीके से आईब्रो बनती है और फ्रंट का जो है हेयर प्रॉपरली ऐसे नहीं निकल पाता है जब तक हम इनर कॉर्नर से आईब्रो को नहीं पुल करेंगे तब तक, और हमें ऊपर से पुल करना है, नीचे से आईब्रो के नीचे से तब नहीं पुल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे के हेयर प्रॉपरली और बिल्कुल हल्के हाथ से थ्रेड को चलाना है यहाँ पे।
और एकदम प्रेशर देकर नहीं चलाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनर कॉर्नर से खींचने लगाया, क्योंकि वहाँ के एयर और वहाँ का शेप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाया। जब हम ऊपर नीचे से पकड़ते हैं तो जो स्टार्टिंग का जो शेप है, लाइन है, वो बराबर क्लियरली नहीं हो पाती है। जो हेयर है वो प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं, तो हमें ऊपर से पुल करना होता है, आईब्रो के नीचे से नहीं करना होता है। उसके बाद वहाँ की लाइन बिल्कुल अच्छे से वहाँ के एयर निकल पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आईब्रो बना लिया है। अब हम यहाँ पर मैच करेंगे कि कौन से आईब्रो में क्या फॉल्ट है, कौन सी पतली है, कौन सी बारीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अच्छे से दोनों को मिसमैच करके, मतलब कि दोनों को चेक करेंगे कि किस तरीके की है, कहाँ पर फर्क है, तो वहाँ पर हम प्रॉपरली उसको भी क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइंट को आईब्रो बहुत पसंद आई थी यहाँ पर। सो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।